अयोध्या में बने राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के बाल स्वरूप मूर्ति शुक्रवार को रखी गई। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई हैं, जिसमें रामलला की आंखों पर पट्टी बंधी थी, जिसे प्राण प्रतिष्ठा के बाद हटाया जाएगा। लेकिन शुक्रवार शाम होते होते रामलला के स्वरूप वाली मूर्ति की कुछ और तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें आंखों से पट्टी हटी हुई थी और पूरा चेहरा दिख रहा था। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बिना पट्टी वाली फोटो असली है या पट्टी वाली, और इसे लेकर अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने से पहले भगवान राम की मूर्ति की आंखें प्रकट नहीं की जा सकती हैं, और जिस मूर्ति में ये आंखें दिख रही हैं तो वो भगवान राम की असली मूर्ति नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये असल मूर्ति है और इसकी आंखें दिखाई गई हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसा किसने किया और ये तस्वीर कैसे वायरल हुई। आपको बता दें कि रामलला के बाल स्वरूप की ये मूर्ति शुक्रवार को पूरे विधि विधान से गर्भगृह में रखी गई थी। 22 जनवरी को इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके बाद मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मूर्ति गर्भगृह में रखे जाने के बाद इसकी तस्वीर मंदिर प्रशासन की ओर से जारी की गई थी, जिसमें आंखों पट्टी से ढकी हुई थी। रामलला की ये मूर्ति जो कि 51 इंच की है, भक्तों को मूर्ति के दर्शन लगभग 35 फीट दूर से ही करने होंगे। इस मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है और इसका वजन करीब 1.5 टन। ये पूरी पत्थर की है और मूर्ति बनाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा गया कि अगर उसे जल या दूध से स्नान कराया जाए तो पत्थर पर कोई प्रभाव ना पड़े। यही नहीं, अगर पानी पिलाया जाए तो भी कोई नुकसान ना हो। मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तराशी गई 51 इंच की प्रतिमा श्याम रंग की है। ये मूर्ति विश्व की पहली मूर्ति होने जा रही है जिसमें प्रभु श्री राम सहित भगवान विष्णु के दशावतार एक साथ दर्शन देंगे। 11 अंकों को सनातन धर्म में सबसे उत्तम माना जाता है। बालक रूप में भगवान के साथ भगवान विष्णु के दशावतार इसे पूरा कर रहे हैं। वहीं इधर ट्रस्ट के एक सदस्य ने बताया है कि प्रभु श्री राम का कमल चक्र जो कि 9 रत्नों पर विराजित होगा, इसके लिए रत्न मंगाए जा चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें श्रीचरण के नीचे बने कमल पद के नीचे रखा जाएगा और इस मूर्ति में भगवान शंकर और ब्रह्मदेव भी हैं। वहीं दाहिने तरफ सबसे ऊपर ब्रह्मदेव और बाईं तरफ भगवान शंकर का वास है, यानी पालक से लेकर संहारक तक सब साथ हैं। ये मूर्ति सृष्टि की संपूर्ण योजना को बताती है। कौमुदी गदा और पद्म भी साथ ही उकेरे गए हैं। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने मूर्ति को एक ही पत्थर से तैयार किया है, इसमें किसी भी तरह का कोई जोड़ नहीं है। भगवान श्री राम के सिर पर विराजित सूर्य उनकी वंश परंपरा के इतिहास को बता रहे हैं, तो उनके हाथ में शंख गदा और स्वस्तिक धर्म का आचरण और चक्र धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले का संहार परिलक्षित कर रहा है। तो फोटो असली है या जो बिना पट्टी वाली फोटो सामने आ रही है वो असली है या पट्टी वाली फोटो असली है, अब इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब ये जांच का विषय हो गया है, क्योंकि रामलला की जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहा यही जा रहा है कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने से पहले किसी को भी बिना पट्टी वाली तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती हैं।